नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। भारत में रिकॉर्ड तोड़ मामले आए सामने। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते दिन जारी किए गए अपडेट के अनुसार एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार भारत में एक दिन में 24,850 मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड 19 की वजह से 613 लोगों की जान भी बीते 24 घंटे में जा चुकी है, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 6,73,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से अभी 2,44,814 मामले पॉजिटिव है, जबकि 4,09,083 मामले स्वस्थ हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार देश में कुल मिलाकर बीते दिन तक 97,89,066 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 2,48,934 सैंपल की जांच बीते 24 घंटे में की गई है। वहीं दूसरी तरफ सभी राज्यों को कोविड 19 के इस माहौल में सतर्कता के साथ काम करने की अपील की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से लगाव होने की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 244वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई बधाई का जवाब दिया है, जिसके तहत ट्रंप ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए उन्हें शुक्रिया लिखा है। साथ ही कहा है कि शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए लिखा था कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम आजादी और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों के साथ ही इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान भी अमेरिका भारत के पक्ष में खुलकर सामने आया है। अमेरिका ने चीन को इस बाबत खरी खोटी भी सुनाई है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के रोकथाम के लिए भारत सरकार दिन प्रतिदिन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं भारत सरकार के कोविड-19 के रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है, जिसके तहत एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या ने कहा कि भारत सरकार ने शुरुआत से ही बेहद गंभीर कदम उठाए हैं और WHO की सिफारिश के आधार पर जनवरी में ही कुछ उपाय किए हैं। भारत एक दिन में 2,00,000 से अधिक टेस्ट कर रहा है। अब भारत परीक्षण किट कर रहा है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले कुछ महीनों में यह आत्मनिर्भर भी बन गया है। भारतीय रेलवे ट्रेनों के परिचालन को लेकर कर सकता है कुछ अहम बदलाव। देश में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को लेकर नई रणनीति पर काम करने की पेशकश की है, जिसके तहत रेलवे का संचालन अब बदले में अंदाज में किया जाएगा। खबरों की माने तो रेलवे सभी ट्रेनों के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल बना रहा है, जिसमें सभी ट्रेन का शेड्यूल और उनकी फ्रीक्वेंसी एक बार फिर से तैयार की जाएगी। खबरों की माने तो रेलवे की यह योजना है कि वो अपने सभी ट्रेन कुछ अन्य ट्रेनों के गंतव्य पर पहुंचने से पहले बीच में रुकने वाले स्टेशन को कम करना चाहते हैं, जिससे कि गंतव्य तक पहुंचने में ट्रेनों की यात्रा को कम किया जा सके। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में एक्सप्रेस और मेल ट्रेन के स्टॉपेज बाद में तय किए जाएंगे। इससे पहले अधिकारी इस बात का आकलन करेंगे कि जिन स्टेशनों को हॉल्ट से हटाने की योजना है उसमें कितने यात्री उतरते चढ़ते हैं। भारत के 6 राज्य में सरकार ने टिड्डी दल के दोबारा आगमन की बढ़ाई संभावना। भारत में कोविड-19 के मामलों के बीच जैसे जैसे करके टिड्डी दल से छुटकारा पाया गया था, मगर अब एक बार फिर से भारत के 6 राज्यों में टिड्डी दल के आने की सतर्कता जारी कर दी गई है। खबरों के माने तो पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया से टिड्डियों का दल एक बार फिर से भारत में प्रवेश कर सकता है। मंत्रालय के बयान के अनुसार टिड्डी दल के संभावित आगमन को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 6 राज्यों के अधिकारियों को सतर्कता जारी कर दी गई है और सभी राज्यों को एक्शन मोड में रहने की नसीहत दी गई है, जिसके तहत कार्यालय ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टिड्डियों से निपटने के लिए जरूरी मिश्रण का छिड़काव किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया है। दिग्गज आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने शुरू की कर्मचारियों की छटनी। आईटी कंपनी की सूची में शीर्ष पर शुमार रहने वाली कॉग्निजेंट कंपनी ने अपने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है, जिसका दावा आईटी एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से किया गया है। हालांकि कंपनी के कम से कम कितने लोगों को निकाला है इस बात पर विशेष जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि सैकड़ों एम्प्लॉयज की छटनी की जा चुकी है। ऑल इंडिया फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉयज की जनरल सेक्रेटरी विनोद ने कहा है कि कॉग्निजेंट ने चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोची और कोलकाता ऑफिस से सैकड़ों एम्प्लॉय की छटनी कर दी है। वहीं कंपनी की तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि फिलहाल उनके पास काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे में इतने सारे कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का कोई मतलब नहीं है। 1902 के बाद दुधवा नेशनल पार्क में पाया गया दुर्लभ ऑर्किड का पौधा। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में गायब हो चुके प्रजातियों की श्रेणी में आने वाले दुर्लभ ऑर्किड के पौधे को देखा गया है। आमतौर पर ग्राउंड ऑर्किड के रूप में लोकप्रिय इस किस्म को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज के तहत गया प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि करीब 118 साल पहले इंग्लैंड के हर्बेरियम में ऑर्किड का दस्तावेजीकरण किया गया था। यह प्रजाति पीलीभीत में साल 1902 में आखिरी बार देखी गई थी, जिसके पश्चात दुधवा क्षेत्र के निदेशक संजय पाठक ने बताया कि बीते दिन WWF और फलजूर रहमान के साथ मिलकर दुधवा रिजल्ट में
किशनपुर में घास के एक रेंज का सर्वेक्षण किया जा रहा था, जहां पर हमने पौधों का एक समूह देखा जो नाजुक फलों के गुच्छों के साथ लंबे टहनियों के साथ था। हालांकि इन पौधों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। हमने उसकी तस्वीर को क्लिक किया और जब हमने पौधे की पहचान के लिए पर्यावरणविदों और वनस्पति विज्ञान से संपर्क किया तो हमें पता चला कि यह पौधा दुर्लभ ऑर्किड का है। कोरोना रिकवरी रेट राजधानी दिल्ली में पहुंची 70% के पार। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब राजधानी दिल्ली में एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ऐलान के तहत दिल्ली में मरीजों की रिकवरी दर 70% तक बढ़ गई है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली का नाम भी शामिल है। यहां कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, मगर अब दिल्ली को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली में रिकवरी रेट 70% के पार पहुंच चुकी है। यानी कि कुल मरीजों में से 70% ठीक हो चुके हैं। कुल 97,200 मरीजों में से 68,256 मरीज ठीक हो चुके हैं और घर वापस लौट चुके हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई दी है। साथ ही ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। 70% से ऊपर दिल्ली की रिकवरी दर पर सभी कोविड-19 वॉरियर्स को बधाई। एमएस धोनी का खुला नया ऑफिस। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि इस बार उनके चर्चा का कारण उनके जीवन की एक नई पारी है। महेंद्र सिंह धोनी ने नए बिजनेस की शुरुआत हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल ही अपने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली थी, जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड रखा गया था। वहीं अब इस कंपनी का मुंबई में कोई ऑफिस नहीं होने की वजह से नया ऑफिस खोला गया है। इसके बाद कंपनी बड़े स्तर पर काम करने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है, जिसका नाम द रोल ऑफ द लायन था, जो कि हॉटस्टार पर उपलब्ध है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार धोनी की नई कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट टेलीविजन शो को बनाएगी। हीरो साइकिल ने चीन को दिया करारा झटका। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद लगातार भारत के अंदर चीन विरोधी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, जिसके बाद कुछ दिनों पहले भारत ने चीन के 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दी थी। वहीं अब व्यापारिक स्तर पर भी चीन को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो साइकिल ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए के व्यापार को चीन के साथ कैंसिल कर दिया है। यह व्यापार हीरो ने चीनी कंपनियों के साथ किया था। इससे पहले हीरो साइकिल ने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार को 100 करोड़ रुपए भी दान में दिए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले 3 महीने में चीन के साथ 900 करोड़ का व्यापार हीरो साइकिल को करना था, मगर अब वो कैंसिल कर दिया गया है। लुधियाना में काफी तादाद में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियां हैं, जो मदद के लिए अब हीरो साइकिल आ गई है, जिसके बाद छोटी कंपनियों को हीरो साइकिल अपने ही साथ मर्ज करने का ऑफर दे रही है। आज है कोरियोग्राफर गीता कपूर का जन्मदिन। टेलीविजन इंडस्ट्री पर अपनी कोरियोग्राफी से कई सारे हिट सॉन्ग देने वाली गीता कपूर का आज 46वां जन्मदिन है। गीता कपूर अपने खुशनुमा मिजाज के लिए पहचानी जाती है। गीता के चाहने वाले या उनके डांस सेट पर अक्सर सभी उन्हें गीता माँ के नाम से पुकारते हैं। गीता ने 15 साल की उम्र से ही फारा खान के ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। बाद में उन्होंने फारा के साथ कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल होना हो, ओम शांति ओम सहित कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट भी काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया है। हालांकि गीता ने अब तक शादी नहीं की है। इसके साथ ही गीता ने फिजा अशोका साथिया हे बेबी 30 मार खान जैसी फिल्मों में भी कोरियोग्राफी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी पर डांस इंडिया डांस, डीआईडी लिटिल चैंप्स और इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में जज की भूमिका भी निभाई है। शिवराज सरकार का हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। भारतीय राजनीति में आमतौर पर मंत्री पद के लिए संतुलन सर्वे का सिद्धांत चुनाव जीतने के बाद लागू होता है, लेकिन कुछ आधारभूत और संतोष भी दिखाई देता है। वहीं गति के समीकरण के आधार पर सुलह भी की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार की राजनीति कई बुनियादी बदलाव के साथ लेकर आई है। मंत्रिमंडल विस्तार काफी लंबे समय से टलता जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, काफी उठापटक के बाद शिवराज सिंह चौहान को दोबारा सत्ता हाथ लगी है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी कई सारे अटकलें लगाई जा रही थी, मगर आखिरकार सब कुछ पार्टी के अनुकूल ही रहा और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं की तरफ से दी गई पूरे देशवासियों को। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही गुरुओं के प्रति अपने सम्मान को भी प्रकट किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संदेश में लिखा कि देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही आदरणीय है। गुरु एक सेतु है जो ज्ञान और शिष्य को जोड़ता है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा पर हम सभी अपने गुरुजनों को याद करके उनको प्रणाम करें। गुरु बिना ज्ञान कहां, गुरु से ही जीवन का
का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बार अमरनाथ से होगा सीधा लाइव प्रसारण। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण सभी धार्मिक गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। वहीं अमरनाथ यात्रा पर भी कोविड 19 का असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि सीमित तरीके से आयोजित करने पर जोर देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सड़क मार्ग से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा जाने के लिए हर दिन 500 यात्रियों को अनुमति दी है। इसके साथ ही इस साल अमरनाथ यात्रा का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। जो भी यात्री इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं कर पाएंगे उनके लिए दूरदर्शन पर आरती के सीधे प्रसारण की सुविधा रखी जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर भी केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश के दौरान दी जाने वाली जहाज की मानक संचालन प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि यह यात्रा 23 जून से शुरू होनी थी लेकिन कोविड 19 की वजह से इसमें देरी हो गई है। हालांकि अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस यात्रा को 15 दिन के संक्षिप्त अवधि के लिए संचालित करने की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी ने बुद्ध पूर्णिमा पर बधाई के बहाने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने चीन में मोदी सरकार के स्टैंड को लेकर सवाल किया है। आज गुरु पूर्णिमा पर बधाई संदेश के साथ ही उन्होंने सरकार को भी आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने पहले तो अपने ट्वीट में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लिखा है कि तीनों चीजें जो कि छुप नहीं सकती वह सूर्य चंद्रमा और सत्य, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने बातों ही बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गलवान घाटी में हुए वाक्य की पूरी जानकारी देने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लद्दाख कुछ लोगों का वीडियो भी शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी दिल्ली में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।